नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 25 जुलाई 2024, और यहां पे 26 जुलाई 2024 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स पर, उन लेवल्स पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल के बिल्कुल भी नहीं होगी। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर आपका स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहला स्टॉक देखते हैं ONGC, ऑयल इंडिया, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल इंडिया नहीं, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC का सिलेक्शन है पहला स्टॉक जो है। रीजन समझिए, साफ सुथरा रीजन है, एक ब्रेकआउट मिला है, देखिए जबरदस्त। आज ऑयल कंपनियों में अच्छा मूवमेंट रहा, इसलिए ज्यादातर सिलेक्शन मेरा ऑयल कंपनी पर ही फोकस रहेगा। आप यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार तब बढ़िया ब्रेकआउट, और उसके ऊपर क्लोजिंग भी कर रहा है, इसलिए एक मूवमेंट बन सकता है। अगर ये दोबारा से अपने हाई को ब्रेक करता है 338 रुपए के ऊपर, तो एक बाइंग बन सकता है, बाय अब 338, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 335 रुपए का, 335 का जो टारगेट होगा, 341, 341, दूसरा 344, 344, 344, और तीसरा 347, 347 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया, माने प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो सेल करेंगे, और सेल होगा 332 के नीचे, सेल बिलो 332, जो स्टॉप लॉस होगा वो 335 रुपए का होगा, 335 का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 329, 329, दूसरा 326, 326 और तीसरा 323, 323 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लोगों को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया ONGC। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और आपके सामने उसका नाम लेकर आ रहा हूँ, नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, एक तो नोमुरा का क्या रिपोर्ट आया, बोल दिया 1250 का टारगेट होगा इसका, और ये आज भाग गया, कब सनी ऑल टाइम हाई पहुंच गया, 6% की तेजी। आप इसका देखेंगे, ये ऑल टाइम हाई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये काफी दिनों बाद 2024 का जो हाई था उस हाई को ब्रेक करके ही 2024 में उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक तो न्यूज है, और दूसरा मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट है, चाहे वो न्यूज की वजह से हो चाहे टेक्निकल की वजह से, आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर ये ब्रेकआउट कल के दिन में भी सस्टेन कर जाता है और 1095 के ऊपर ही रहता है, तो बाइंग होगा बाय अबव 1095, और जो स्टॉप लॉस ये 9 है 95, स्टॉप लॉस जो होगा इस कंडीशन में 1089 का होगा, जो टारगेट होगा पहला वो 1101 1101, दूसरा होगा 1107 1107, और तीसरा होगा 1113 रुपए का, 1113 रुपए का। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में फंस गया, चूंकि आज 6% भागा है, तो कल हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो सेल करेंगे 1085 के बिलो, सेल बिलो 1085, जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1091 1091 का, और जो टारगेट होगा पहला 1079 1079, दूसरा 1073 1073 1073, और तीसरा 1067 1067 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चलिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं भैया। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है फार्मा सेक्टर का जेडेस लाइफ। पहले ये कैडिला हुआ करता था, कैडिला हेल्थ केयर, अब जेडेस लाइफ है। जेडेस लाइफ का भी समझेंगे रीजन, तो ये भी ब्रेकआउट करने को तैयार है, और लगभग लगभग ब्रेकआउट कर ही चुका है, ऐसा नहीं है, ये भी देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेली के चार्ट पे ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। तो कल भी अगर ये मूवमेंट बरकरार रखता है तो हम बाइंग तरफ देखेंगे 1210 के ऊपर, बाय अबव 1210, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1203 रुपए का होगा, 1203 का, और जो टारगेट होगा पहला 1217 1217, दूसरा 1224 और तीसरा 1231 1231 का। और अगर ये नीचे ब्रेकआउट कर ब्रेक डाउन करता है, प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है, तो हम 1200 का जो राउंड नंबर है उसके नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 1200, स्टॉप लॉस होगा 1207 1207 का, टारगेट 1193 1193 दूसरा 1186 1186 या तीसरा 1179 1179 का। तो दोस्तों, ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।